लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, किसी ने सही ही कहा है, जो लोग कभी हार नहीं मानते उनको जीतने से कभी कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लिम्रा न्यूज और मैं हूँ जेबा अली। केरल के मल्लापुरम इलाके के रहने वाले शिहाब चित्तूर की कहानी कुछ ऐसी ही है। जून में हज के लिए रवाना हुए थे शिहाब चित्तूर। केरल से सऊदी अरब की दूरी कोई लगभग 8,640 किलोमीटर है। 29 साल के एक हिंदुस्तानी नौजवान ने हजारों मील की इस दूरी को अपने कदमों से नापने का दम भरा। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में अलग अलग मसलों को लेकर एक तरह से उथल पुथल के हालात बने हैं, जो आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, राजनैतिक हैं और धार्मिक भी। 21वीं सदी में पली बड़ी नस्ल महामारी में जान माल की भयंकर तबाही का मंजर भी देख चुकी है, जिसके असर से अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं हम। उस दौर में शिहाब ने अकीदत और साहस की अनूठी मिसाल पेश की है। अगर हम बात करें शिहाब की इस वक्त की लोकेशन की, तो वो इस वक्त राजस्थान के रावतसर पहुंच चुके हैं। बीते कल जुमे के रोज उन्होंने जुमे की नमाज राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव कोड़का में अदा की और वहीं के एक मदरसे में कल का दिन उन्होंने गुजारा और वो वहीं पर रुके। उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से कपड़े भी बांटे। अरब महासागर के किनारे आबाद केरल भारत का आखिरी छोर है, जहां के शिहाब अपनी इस यात्रा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बने हैं। इसलिए भी क्योंकि 21वीं सदी में शिहाब भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले ऐसे तीर्थयात्री हैं जो पैदल हज करने जा रहे हैं। आमतौर पर हज यात्रा हवाई या पानी के जहाज के जरिए ही पूरी की जाती है। चूंकि शिहाब अपनी यात्रा को लेकर भारत में काफी चर्चित हो चुके हैं, उन्हें देखने के लिए रास्ते में भीड़ का एक भारी हुजूम उमड़ता है। इन परिस्थितियों में सुरक्षा को लेकर अलर्टनेस नाजिम है, जो पुलिस और उनके निजी लोगों के स्तर पर भी दिखाई देती है। और शिहाब दुआओं मोहब्बतों का तोहफा लेते हुए मक्का मदीना की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में जैसे जैसे शिहाब का सफर अपने मुकाम की जानिब पहुंच रहा है, वैसे वैसे सरहद के उस पार हलचल बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश के जिन भी मुल्कों से शिहाब गुजरेंगे, उनके स्वागत की तस्वीरें दिलों को छूती रहेंगी। आप देख रहे थे लिम्रा न्यूज की खास खबर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए लिम्रा न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।